ऐसा सफ़र जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। जी हाँ, मैं लेके चलूँगी आज आपको इंडिया की सबसे लंबी हाईवे टनल पे, जिसका नाम है अटल रोहतांग टनल, जो मनाली को लेह से कनेक्ट करती है। और इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर्स है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल कुछ तो लोग कहेंगे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन का कुल्लू मनाली और ख़ास करके लाहौल और स्पीति वैली के लोगों को सालों से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ 3 अक्टूबर 2020 को, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस टनल का उद्घाटन किया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि साल के 6 महीने दुनिया से आपका कनेक्शन टूट जाए और बिना किसी फैसिलिटी के 6 महीने के लिए आपको बिना कनेक्टिविटी के बिलो फिजिक टेम्परेचर में रहना पड़े? शायद नहीं आप इस चीज़ को ठीक से इमेजिन भी ना कर पाएं कि इस कंडीशन में रहना कैसा होता है। बट लाहौल में रहने वाले लोग हर साल इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं और इसी में रहते भी हैं। बट अब रोहतांग टनल बनने के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब उनको ये एक्सपीरियंस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोहतांग टनल के थ्रू लाहौल अब 12 महीने रोड के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। इस टनल का दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे देश के जवान जो कि बॉर्डर रीजन में सर्विस देते हैं, उन्हें लद्दाख और बाकी बॉर्डर रीजन में पहुंचने के लिए अब 5 से 6 घंटे कम सफ़र तय करना पड़ेगा। और सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो रोड हमेशा खुले रहेंगे। रोहतांग टनल के कंस्ट्रक्शन का काम किया है हमारी बहुत ही एफिशिएंट और ब्रेव ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कंपनीज के जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर इस काम को कंप्लीट किया है, जिनका नाम है एफकॉन और स्ट्रबैग। जब आप फर्स्ट टाइम इस रोहतांग टनल में एंटर करेंगे तो एक मोमेंट के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोप कंट्री में घूम रहे हैं, बट नहीं, ये हमारा नया हिमाचल है। अब बात करते हैं रोहतांग टनल की हिस्ट्री की, यानी कि ये टनल कब और कैसे बनना स्टार्ट हुआ था और इसमें किसका क्या योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95th जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नामकरण कर अटल टनल के रूप में करने की घोषणा की थी। 9.02 किलोमीटर्स लंबी ये टनल हॉर्सशू शेप में कंस्ट्रक्ट की गई है और इसका काम शुरू हुआ था 28th of June 2010। 1960 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रोहतांग पास में रोप वे बनाने की बात की थी, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाए। उसके 40 साल बाद जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 3 जून 2000 में उन्होंने टनल बनाने की घोषणा की थी। 2000 में टनल का एस्टिमेट बजट था 500 करोड़ और इसे 7 साल में यानी कि 2007 तक कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन अटल जी की घोषणा के बाद भी काम में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। उसके बाद 6th of May 2002 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसके कुछ सालों तक भी साइट क्लियरेंस के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि 2007 तक इस टनल का काम स्टार्ट हुआ ही नहीं था। फिर 2007 में रोहतांग टनल के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ऑस्ट्रेलियन कंपनी SMEC को, और कंप्लीट करने का नया डेट 7 साल बढ़ा के 2014 किया गया, लेकिन फिर भी काम में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। गवर्नमेंट हर बार दावा करती रही, लेकिन नवंबर 2009 तक
ग्राउंड में कुछ भी काम नहीं हुआ था। सितंबर 2009 में एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ और इस बार काम मिला एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्ट्रबाग को। एफकॉन एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जबकि स्ट्रबाग एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जो टनल बनाने में एक्सपर्ट है। सेंट्रल कैबिनेट कमेटी से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को इस टनल की पहली नींव रखी। उस टाइम सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चीफ थी। 28 जून 2010 को इस टनल का काम स्टार्ट होने के बाद काम में काफी स्पीड दिखा, लेकिन इस टनल को बनाने में काफी चैलेंजेस भी सामने आए। सबसे मुश्किल काम था विंटर्स में जब बर्फ पड़ती थी उस दौरान टनल में खुदाई करना। टनल को बनाते समय 46 से भी ज्यादा बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो समस्या आई वो थी 800,000 m³ पत्थर और मलबा जो खुदाई में निकला। ये एक ऐसी समस्या थी कि इतना मलबा कहाँ और कैसे फेंका जाए। उसके बाद समस्या आई पानी के रिसाव की। रोहतांग टनल के ऊपर सेरी नाला बहता था और उसका पानी रिस कर सुरंग में आने के कारण काफ़ी टाइम तक इस टनल का काम डिस्टर्ब होता था और काम की स्पीड 5 m/s से होकर 0.5 m/s हो गई। इसे बनाने में 700 से ज़्यादा पेड़ काटे गए और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि साल के सिर्फ 6 महीने ही इस टनल का काम होता था, क्योंकि बाकी 6 महीने यहाँ बर्फ पड़ती थी। 10 साल कंटिन्यूस काम होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस को पार करने के बाद 2020 में ये टनल बनके तैयार हुआ। इस टनल में एक सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि टनल की हवा हमेशा फ्रेश बनाए रखता है। अटल सुरंग की चौड़ाई 10.5 m है और स्पीड लिमिट 80 km/h रखी गई है और किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए टनल के नीचे एक और रेस्क्यू टनल भी बनाई हुई है और फायर एक्सटिंग्यूशर का भी पूरा इंतजाम रखा गया है। अटल रोहतांग टनल की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई है 3,200 crores। रोहतांग टनल बनने से पहले लाहौल और उससे आगे जाने के लिए एक ही रास्ता था, वो था रोहतांग पास के थ्रू जाना। और अब क्योंकि रोहतांग टनल बनने के बाद एक नया रास्ता बन गया है तो शायद कम लोग रोहतांग पास से जाए, बट रोहतांग पास की ब्यूटी को हम कभी नहीं भुला सकते।